दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 बाइट। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है मोतिहारी से, जहां बुधवार की शाम शहर के बलुआ चौक पे बाइक चोर को बचाने गए मोतिहारी पुलिस पर भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में कुछ लोगों को चोटें भी आई। हालांकि जो मोतिहारी पुलिस का एक जवान कांस्टेबल था, जिसका नाम अभय बताया जा रहा है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब मामले को विस्तार से जानिए। मामले में थोड़ा ट्विस्ट है। बच्चा चोर का हवाला देकर एक युवक को मारने का प्लान था। रघुनाथपुर ओपी प्रभारी के अनुसार बाइक चोर के दो गिरोह में गलतफहमी हो गई। दरअसल रघुनाथपुर चोर गिरोह का एक युवक शंकर सरैया चोर गिरोह के साथ छतौनी गया था, जहां छतौनी में हुए सड़क हादसे में रघुनाथपुर गिरोह के युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद रघुनाथपुर गिरोह के लोगों को आशंका हुई कि उसके गिरोह के युवक को जानबूझकर मार दिया गया। फिर बदले की भावना से रघुनाथपुर गिरोह के कुछ लोगों ने बुधवार को शंकर सरैया गिरोह के राम लखन उर्फ साधु को बलुआ चौक पर पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। वहीं इस दौरान जब भीड़ ने मारने का कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि बच्चा चोर है। फिर क्या था, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और बिना कुछ सोचे समझे जमकर उस युवक की पिटाई शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आ रहा था उसी से युवक की पिटाई कर रहा था। संयोगवश नगर थाना की गश्ती दल मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि उसे कंट्रोल नहीं हुआ और फिर पैंथर व अन्य थानों को बुलानी पड़ी। फिर बड़ी मुशक्कत से युवक को वहां से निकाला गया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस जीप का पर्दा तक लोगों ने फाड़ दिया। पुलिस को भी चोटें लगी हैं। बता दे, जख्मी साधु के खिलाफ रघुनाथपुर ओपी में लड़की भगाने व शराब का दो मामला दर्ज है। वह बाइक चोर गिरोह का संचालन भी करता है। Come on.